फ्रेंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है लीनियर इक्वेशन का, तो उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप नीचे बोर्ड पर देख सकते हैं लीनियर। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन कैन पुट इन फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई। वो इक्वेशन जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। जो हमारे पास जो एक्स का वेरिएबल ए है और बी वाई का वेरिएबल बी है और जो सी है, ये हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर की जो बात है वो मैंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट है ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, और जो जो वाली हमारे पास ए कोफिशियंट है एक्स का और बी जो है वाई का कोफिशियंट है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो फिर से रिपीट करते हैं कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल, कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसका नाम, और सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। तो इसकी इक्वेशन आएगी नंबर टू। तो एलिमिनेशन से आपको बोलेंगे एलिमिनेट करना। तो यहां पे हम या तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे या वाई को एलिमिनेट करेंगे। और एक्स और वाई को एलिमिनेट करने का मेथड क्या है कि इसके जो वेरिएबल हैं, एक्स का वेरिएबल है या वाई का वेरिएबल है, ये सेम होना चाहिए। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे एक्स का वेरिएबल टू है, यहाँ पे एक्स का वेरिएबल वन है, और यहाँ पे देखेंगे अगर वाई का वेरिएबल थ्री है और वाई का वेरिएबल वन है। तो सबसे पहले हमने किसी एक वेरिएबल को सेव करना है, चाहे आप एक्स वेरिएबल को भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा तो आप वाई को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स का जो वेरिएबल है तो ये सेव करते हैं। अब इसे वेरिएबल को सेम कैसे करना है, तो अगर हम ये इक्वेशन हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये 2 के साथ में 2x 2y इज इक्वल टू 10। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसे हम यहां पे लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमने इसे एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कैसे होगा? अब ये हमारे पास 2x है, ये भी 2x है। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय फ्रॉम कर लेते हैं, फ्रॉम ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, या भी इसका नाम है इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, यहां पे सेकंड आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो अब सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, इसके साइन चेंज करेंगे। नीचे ये प्लस है, इसका साइन नीचे आ जाएगा माइनस, ये माइनस है इसका साइन आ जाएगा प्लस, और ये 4 प्लस का इसका साइन आ जाएगा माइनस। तो अब ये एलिमिनेट हो गया हमारे पास 2x और 2x, ये माइनस का 2x बन गया और ये 2x है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3y प्लस का आ गया और 2y, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 5
y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6y 5। ये जो 5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इसे हम दूसरी साइड में लेके आएंगे, मीन्स ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब ये y अपनी पोजीशन को चेंज करेगा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ ये जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है यहाँ पे तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन y, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, आप फर्स्ट पे भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी पुट करते हैं, तो चलो इसको हम पुट करते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अभी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास पहले एलिमिनेशन से जो सब्ट्रैक्टिंग करके आया है, तो y की वैल्यू आ गई 6y 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x को अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 6y 5। तो अब हम यहाँ पे इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे अब क्या करेंगे, तो जैसे हमारे पास जो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, जो हमारा एलसीएम आया उसे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 5 इंटू 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 6 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 19/5। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5, आप देख सकते हैं। अगर हमने ये जो आपका जो आंसर आया इसे अगर हमने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो वो भी हम चेक करते हैं अभी। तो हमारे पास जो इक्वेशन एक है, कोई इक्वेशन एक फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 19/5 और वाई की वैल्यू आई है हमारे पास, आप देख सकते हैं 6/5 और ये आ गया हमारे पास 5 राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम, आप देख सकते हैं जो एलसीएम सेम है, अगर एलसीएम नीचे सेम आता है तो जो ऊपर हमारे डिजिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, यहाँ पे आ गया 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 5 इज 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपकी ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मीन्स आपकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू राइट है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स ETT का जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।